Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswati International Academy Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है, पार्ट 1 में हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और उसके टाइप के अबाउट हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब पार्ट 2 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होगा और वो पॉइंट है लॉ ऑफ गैसेस। तो लॉ गैसेस, लॉ ऑफ गैसेस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट लॉ ऑफ गैसेस मतलब गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो बोलते क्या है, द लॉ दैट गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड लॉ ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ गैसेस की बात करें तो पहले हम तीन लॉ को पढ़ेंगे, इनके टाइप भी बताऊंगा मैं आपको। लाइक सपोज दैट ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल है, तो पहले प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की बात करते हैं। ये एक्सिस पे रखा पी टी वी। एट ए टाइम ट्राइंगल क्या बता रहा है कि अगर हम रिलेशन किसके बिटवीन दिखा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है। ये जो रूल है ये साइंटिस्ट किसका है, बेल्स का है। P is directly proportional to T, that is the Gay-Lussac's law. तो पहले इन तीन रूल को पढ़ेंगे। V is directly proportional to the T, ये है चार्ल्स लॉ। सो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बैल्स, गेलुसैक एंड चार्ल्स, ये तीन लॉ हैं जिनमें हमें दिखाया जा रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन आएगा, देन दैट टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में आप क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाना जा रहे हो, जब आप उनके बीच में दिखाने जा रहे हो तो ये हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट, दैट्स ऑल। अब एक एक को हम उठाएंगे और एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे के लॉ ऑफ गैसेस में क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें बैल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक, एवोगैड्रो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डेल्टा लॉ, पार्शियल प्रेशर। बट यहाँ पर हम इन पॉइंट्स पर देखें तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब बात करेंगे एक एक रूल के अबाउट, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, उनको उठाते हैं और सारे पॉइंट्स उनके क्लियर करते हैं स्टूडेंट। सो अब बात करेंगे हम, पहला जो रूल्स है यहाँ पर, क्लियर, पहले रूल्स की बात करेंगे और रूल्स है अपना पहला क्या, हेडिंग है बैल्स लॉ। बैल्स लॉ बोलते कि इन 1662 साइंटिस्ट बैल्स गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अफेक्ट
अमाउंट ऑफ गैस आफ्टर अ नंबर ऑफ स्टडीज आर एक्सपेरिमेंट। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और स्टडीज के बाद साइंटिस्ट बैल्स ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, किसके बिटवीन दिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी। सो ये क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या थी आपके एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने दिया है, तो मैं आपको उसके अबाउट बता दूं। अकॉर्डिंग टू क्या फॉर्मूला इनका पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू बेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बेल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्लियर? तो ये इनका डेफिनेशन हो गया, ये मेन पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर बात करें तो बैल्स ने ये दिखाया क्वांटिटी रिलेशन, किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हम रख रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, अगर इस टर्म को हम मैथमेटिकली राइट करें तो मैथमेटिकली बेल्स लॉ क्या होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट? दिस रिलेशन ऑब्टेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आर पी इज इक्वल टू के बाई वी, आर पी वी इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर वन। दिस रिलेशन इज नाउ ऑब्टेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T। सो देन स्टूडेंट आप इसी पॉइंट से गेस लगा लीजिए कि बैल्स ने किसके बिटवीन रिलेशन दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, सो वेयर पी इज ए प्रेशर ऑफ गैस एंड वी इज अ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। सो स्टूडेंट अब हम राइट करेंगे यहाँ पर पहले ग्राफ फॉर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम ग्राफ लेते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तो देन क्या होगा, तो इसके अबाउट जाएंगे हम, तो यहाँ राइट करेंगे P ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अब इसको जब हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर लिया तो वन टू थ्री फोर अ नंबर ऑफ टेम्परेचर पे इस वैल्यू को हम राइट करेंगे और हमें मिलेगा क्या, टी थ्री टी टू टी वन। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एट वेरियस टेम्परेचर, सो ये हो गया टी टू टी, वेयर टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, दैट्स ऑल। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे हम, और आगे जो बढ़ेंगे जो पॉइंट होगा हमारा वहाँ के लिए जाए, तो फिर तो अगली पॉइंट पे जाएंगे वे हम पी वी इज इक्वल टू के,
और ये क्वेश्चन नंबर वन था जो हमें मिला एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। सो देन हम बात करेंगे इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो स्टूडेंट अब इसके लिए ग्राफ लेंगे हम, तो ग्राफ किसके लिए है, पी वी अगेंस्ट व्हाट इज प्रेशर और एट द वॉल्यूम। सो देन पी वी का ग्राफ हम ले रहे हैं अगेंस्ट व्हाट इज पी, देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी। सो ये दो ग्राफ हो गए और ये वेल्स का रूल हो गया, डेफिनेशन हो गई, सारे पॉइंट्स हो गए। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे क्या बेल्स लॉ एक्ट टू डिफरेंट व्हाट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट इस पॉइंट के बाद हम बात करेंगे अबाउट द सो वेल्स लॉ का पॉइंट्स। अगर हमें जाए तो हमने ये कंसीडर कर लिया क्या इफ अ वॉल्यूम, क्या इफ अ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट गैस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज वी वन एंड पी वन एट इनिशियल स्टेट, इफ वॉल्यूम, क्लियर, तो V1 एंड P1 है एट इनिशियल स्टेट। इफ वॉल्यूम चेंज बिकम पी वी टू देन प्रेशर बिकम पी टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो देन हम राइट करेंगे एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट की बात करें तो P1 वन इज नेसरी प्रपोर्शनल टू वी वन आर पी वन इज इक्वल टू के वी वन आर पी वन वी वन इज इक्वल टू के इक्वेशन टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी। एट फाइनल स्टेट पी टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू आर पी टू वी टू इज इक्वल टू के इक्वेशन नंबर थर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी। वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट फॉर अ गैस, एक गैस के लिए के की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी ऑलवेज, तो देन दोनों को इक्वलाइज कर दें तो हमारा होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट्स ऑल, क्लियर। तो ये इक्वेशन हो गया किसका, बेल्स का, राइट। तो बेल्स का ये इक्वेशन हो गया, ये ग्राफ हो गए, पॉइंट्स हो गए, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसमें जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आइसोथर्म बोला जाता है। तो पॉइंट्स की बात करेंगे हम, अब
राइट करेंगे बेल्स लॉ फॉर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ऑफ अ गैस। अब हमारा बेल्स लॉ होगा दूसरा एक, जो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाएगा और फिर इनके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट क्या होगा इसका, मैं राइट करूंगा इस रिलेशन को फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन इससे पहले हमने पढ़ा है स्टूडेंट, उस इक्वेशन वन में आपने क्या देखा कि पी वी इज इक्वल टू क्या है के, यही रहा इक्वेशन बराबर। वे ये होता हमारा फॉर्मूला कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, मास अपॉन डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में v इज इक्वल टू m बाई डी पुट करेंगे। तो p क्या होगा m बाई डी इज इक्वल टू k। अब इस वैल्यू को वैलिडेट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे पॉइंट्स स्टूडेंट। तो केयर करेंगे आप, देखो जब हमने इसको रखा तो हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, ये पॉइंट्स है हमारा क्या, नाउ pm इज इक्वल टू डी के आर डी इज इक्वल टू व्हाट इज पी एम बाई के, वेयर एम बाई के इज कंसिडर न्यू कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट होगा एंड देन d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट इज किसके आ गया p, मीन्स ये पॉइंट हो गया। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्लियर करना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स प्रेशर। क्लियर, इट्स प्रेशर। सो देन अब हम बात करेंगे इनके इक्वेशन की। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि एट इनिशियल स्टेट जो डेंसिटी है डी वन है और प्रेशर क्या है पी वन है, तो डी वन अपॉन पी वन इज इक्वल टू के होगा। और यही कंडीशन एट फाइनल स्टेट जाए तो डी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू है और डी टू अपॉन पी टू है इज इक्वल टू के। एक गैस के लिए के जो कांस्टेंट हो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी वन इज इक्वल टू डी टू अपॉन पी टू, ये आपका इक्वेशन हो गया किसके लिए, डेंसिटी और प्रेशर के लिए बेल्स लॉ। क्लियर, तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो हमारा था और डिस्कशन ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड अदर पॉइंट्स पर। सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ आपको पहले क्लियर कि करना क्या हमें। तो हमने पढ़ा बेल्स लॉ, लॉ ऑफ गैसेस में फर्स्ट है क्या बेल्स लॉ। बेल्स लॉ क्या है, साइंटिस्ट बेल्स ने बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और उन्होंने बताया किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा रिड्यूस होगा, और अगर प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब इनका यूज कहाँ पर है, अगर हम बेल्स लॉ को देखें तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स हैं। बेल्स लॉ का क्या है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपके व्हीकल के टायर से लेकर, देखो टायर क्या होता है, व्हीकल्स के ट्यूब टायर जो है अगर हम उसमें एयर भरते हैं तो प्रेशर बढ़ता तो टायर क्या होता है फूलता है, राइट तो वहां पर भी है। नेक्स्ट पॉइंट हाई एल्टीट्यूड, हम माउंटेनियर्स को देखेंगे ग्लाइडर्स जो होते हैं तो वो जब हाइट पे जाते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ता है,
क्यों भाई? ऊपर जाने पर प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, कम। अब आप ये समझ लो कि ये एल्टीट्यूड है, अगर मैं बोलूँ गैस के पार्टिकल यहाँ इतने क्लोज हैं, हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यही पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। अब जो वॉल्यूम ऑक्सीजन की चाहिए आपको प्रॉपर ब्रीथिंग के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैस के पार्टिकल ऑक्सीजन के एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाते जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, तो हमें रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देते हैं जिससे उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो ये पॉइंट हो गया। हम बैच लॉ का यूज़ कर सकते हैं कुकिंग प्रोसेस, माउंटेन पर या हाई एल्टीट्यूड पर जब हम कोई चीज़ें पकाते हैं, कोई भी एडिबल फूड, तो वो क्या होता है, वो देर से पकता है क्योंकि वहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वहाँ पर भी यही रूल है, इन्हीं का रूल है, हम इसी से समझा सकते हैं उस पॉइंट को। तो बैच लॉग के नंबर ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हो हैं, और इनके फार्मूले दो हो गए, एक हो गया D1/P1=D2/P2, और एक आपका फॉर्मूला है क्या, P1V1=P2V2, एंड दोनों इक्वेशन को हमने एक ही वेरिएबल पर लिया है, क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया इसको। अब हम बात करेंगे इसके न्यू पॉइंट पर, बात करेंगे न्यू पॉइंट क्या है, इसके एग्जांपल, इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, तो इन पर डिस्कशन चलेगा, राइट। तो स्टूडेंट पहले अब बात करेंगे एग्जांपल 5.1 की, जो बेल्स लॉ के इक्वेशन पर बेस्ड है। सो तो स्टूडेंट आप देखेंगे जब एनसीईआरटी, तो आपको वहां पर मेंशन किया गया है क्या कि जो प्रेशर है, एक बलून है, मेंशन किया कि बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बी बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सटेंडेड एक्सीड कितना करे 0.2 bar, इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 liter वॉल्यूम, सो अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बलून बी एक्सपांडेड। तो हमें मैटर ये है कि 0.2 bar हम क्या कर रहे हैं, इसका बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट्स क्या है, हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर वन मतलब एग्जांपल नंबर वन क्या दिया है, अ बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन, स्टूडेंट क्या कहना, अ बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, इट विल बी बर्स्ट, क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है, इफ प्रेशर एक्सीड, इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 bar, अगर हम बलून का प्रेशर 0.2 bar जो इनिशियल उसका प्रेशर सब बढ़ा दें, इफ 1 bar प्रेशर, इफ 1 bar प्रेशर हैव 2.27 liter हैविंग 2.27 liter वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड देन मेंशन क्या करना है, अप टू व्हाट वॉल्यूम क्लियर कैन बी बलून वॉल्यूम बिल एक्सपांडेड। तो मेंशन क्या कर रहे हैं कि ये बलूनों मतलब पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम नंबर वन में हमारा ये पॉइंट्स हमने दिखा दिया कि ये बलून है, इसका इनिशियल प्रेशर P1 था 1 bar और V1 था कितना 2.27 liter, इसका प्रेशर बढ़ा के P2 करते हैं 0.2 bar, तो इस प्रेशर पर वो क्या होता है, ये बर्स हो जाता है, फट जाता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना यहाँ पर कि व्हाट वॉल्यूम, तो क्या करना,
इक्वेशन क्या लगेगा, हमें वी टू फाइंड करना, पी टू पर तो वॉल्यूम क्या था भाई जिस पर ये बलून फट गया, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, वी टू इज इक्वल टू व्हाट, पी वन वी वन बाई पी टू। अब पी वन, पी वन है वन, ये है 2.27 और डिवाइडेड बाय 0.2 बराबर, तो ये आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू है डिवाइड करोगे 11.35 लीटर, मीन्स इतना बढ़ाने के बाद जो वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम बलून का वो इतना प्रेशर वन बार से इतना और बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली वी टू हो गया 11.35 लीटर, तब जाके क्या हुआ एक्सपांड हुआ एंड बर्स्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द बेल्स लॉ, आप केयरफुल इसको देख लेंगे, आप केयरफुल इसको देखेंगे, ओके। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करूं मैं तो एक्सरसाइज में इसके दो न्यूमेरिकल आप देखेंगे 5.1 एंड 5.2। तो 5 पॉइंट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज में जाएंगे 5.1 देखेंगे तो लिखा कि व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब, कितना 500 डेसीमीटर क्यूब स्टूडेंट ऑफ एयर, ऑफ एयर टू एट वन बार पर इसको कंप्रेस कर टू 200 डेसीमीटर क्यूब, 500 से 200 लाना है राइट एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो स्टूडेंट अब आप केयर करेंगे, हमें क्या बताया जा रहा है कि ये एक वेसल है जिसका वॉल्यूम था 500 डेसीमीटर क्यूब, इसका प्रेशर था 1 बार, इसको कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए जिससे इसका वॉल्यूम V2 रिड्यूस होकर कितना हो जाए 200 डेसीमीटर क्यूब, तो हमें P2 फाइंड करना है, P2 फाइंड आउट करना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वेशन होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसके अबाउट जाएंगे पॉइंट्स को, तो हम राइट करेंगे क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड देन फाइंड क्या करना हमें P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई V2 दैट्स ऑल। अब P1 की वैल्यू देखो, P1 की वैल्यू क्या है 1 into V1 कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 कितना है 200, कैंसिल हो गया 0/5/2 हमारा फाइनल आंसर है, या इसको राइट करेंगे क्या 2.5 बार, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर? 2.5 बार। अब इसी के बेस पर एक और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है, क्लियर, जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है और आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का 5.2 स्टूडेंट, 5.2 तो एक्सरसाइज का 5.2 स्टूडेंट आपको कंप्लीट करना है, क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो पार्ट टू हमारा है, क्लियर, पार्ट टू चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोगों ने जिस पॉइंट पर इस पर डिस्कशन किया है वो हमारा है लॉ ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ गैसेस का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया आपको,
तो यहाँ पर हमने बेल्स लॉ स्टडी किया और बेल्स लॉ दो टर्म पर है, एक बार प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है और एक बार प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन है। दोनों का इक्वेशन फाइंड किया है। अब उनके एग्जांपल्स हो गए और ये न्यूमेरिकल्स हो गए, इसके अबाउट जाएंगे। क्लियर? तो केयरफुली इस पॉइंट को आप रीड करेंगे स्टूडेंट, रीड करके अच्छे से इसको राइट करेंगे आप। क्लियर? एंड जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे, जिस पर डिस्कशन हमारा होगा, वो होगा क्या, चार्ल्स एंड गेलुसैक्स लॉ, जो पार्ट थर्ड में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पार्ट थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड के साथ। थैंक यू।